हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो आज की जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही यूनिक सा वीडियो है, और ये वीडियो जो है ये बहुत ही अलग किस्म का है, क्योंकि ये मेरे कंटेंट से बिल्कुल ही मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग जानते होंगे जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, तो ऐसा पार्ट टाइम मैं टैटू आर्टिस्ट भी हूँ, तो उसी रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है कि आपको बेसिक, अगर आप टैटू सीखना चाहते हो या फिर आपको थोड़ा कुछ नॉलेज है टैटूइंग के बारे में, तो आप इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीख पाओगे। और जो ये मेरा पार्सल आया हुआ है टैटू किट, मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, और फिर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इस किट पर है। और अगर आप एक बेसिक और एक बिगिनर टैटू आर्टिस्ट हो, अगर आप सोच रहे हो कि एक छोटा सा स्टूडियो खोले, तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को सख्त ज़रूरत है, तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि अगर आपको एक टैटू स्टूडियो खोलना है तो क्या क्या मटीरियल और क्या क्या किट पे होना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ में। सो ये है टैटू मशीन किट, इसके अंदर में क्या क्या है और एज अ आर्टिस्ट आपको किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, एक एक करके क्या है इसके अंदर में, सब कुछ एक एक करके आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आप जैसे देख सकते हो, ये बहुत ही क्यूट सा बॉक्स है, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि माफिया वाला लोग जो डायमंड वगैरह चोरी वोरी करके लेके आते हैं, तो वैसा ही दिखता है ये। सो ये बहुत काफ़ी क्यूट सा वो है, बॉक्स है। तो चलिए, इसका यहाँ पे देख सकते हो लॉक भी है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ये जैसे ही आप खोलोगे तो खुल जा सिम सिम वाला खजाना टाइप का, आपको कुछ ऐसे कुछ दिख जाएगा जैसे आप देख सकते हो। सो ये टैटू जिग्मो की तरफ से ये पूरा किट, तो इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा मैंने अलग से भी मंगवाया है, तो सब कुछ मैं दिखाऊँगा कि कैसे क्या 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 है। तो जैसे आप देख सकते हो, पहले तो ये मेरा डेटॉल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत सारा आर्टिस्ट इसको यूज़ नहीं करता है, मुझे डेटॉल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। और ये जो यही है मेन हमारा मशीन जिसके अंदर मैं है, तो इसका भी खोल के दिखाता हूँ मैं, बस इसके अंदर में क्या क्या है एक बार सब कुछ बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या है। सो ये दो मशीन है, एक लाइनर है और एक शेडर है, तो एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आपको ये दो मशीन लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि एक मशीन से काम चला लूँ, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको दोनों मशीन लेना ही होगा। सो ये रहा, और ये है आपका ग्रीन डायनामिक का ग्रीन कलर, और ये इंटेंस का सॉफ्ट ऑरेंज, और ये है आपका स्किन एंड इंक का रेड, और ये है ब्लू, और एक ब्लैक है अंदर में, मैं दिखाता हूँ, यही बेसिक सा कलर है जिस यही मैंडेटरी है, और आप अगर दूसरे कलर लो या ना लो, लेकिन ये पांच कलर तो आपको चाहिए। तो सम विटामिन ए एंड डी का पाउचेस है, उसके बाद में ये इंक कप्स है बहुत सारा, ये फिर आपको फूड कोड है, यहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिलते हैं। सो ये पावर सप्लाई मशीन है, यहाँ पे देख सकते हो ये डुअल है, डिजिटल है, इसलिए बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, बहुत क्यूट सा है। तो यहाँ पे आपका फूटर आ जाएगा, एक लाइनर मशीन आ जाएगा, एक शेडर आ जाएगा और एक फूटर आ जाएगा, यहाँ से आप आपको देख सकते हो एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है। सो ये दो हैंडल है आपका, यहाँ पे ये टिप है, यहाँ पे निडल जाता है और इसको आप ऐसा पकड़ते हो, तो ये दो ठू है, ये एक क्लिप कोड है जिससे आपको टैटू मशीन और इस पे आपको पावर सप्लाई मिलते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आफ्टर केयर है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया है। तो ये है ब्लैक कलर, सो पांच कलर मैंने मंगवाया है, इससे आप बाकी सारा शेड्स भी आप बना सकते हो। और ये है आपका पावर सप्लाई, जो कि मेन बोर्ड से आपका ये मशीन को आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में ये कप होल्डर है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको कप होल्ड करके इंक को होल्ड कर रखना है। और मिल जाता है यहाँ पे कुछ एलेंकीज, तीन एलेंकी मिल जाता है, ताकि आप अपने मशीन को डिसेबल कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। और दो एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाता है, जहाँ पे आप निडल डाल सकते हो,
और आपका बॉक्स के लिए एक चाबी मिल जाता है। सो दिस इज़ इट। तो चलिए बॉक्स को करता हूँ साइड, और उसके बाद में आपको मिल जाता है ये स्टेंसिल पेपर, जहाँ पे आप इजीली स्टेंसिल बना सकते हो। सो ये स्टेंसिल पेपर है, यहाँ पे आप टैटू स्टेंसिल कर सकते हो। तो ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे टैटू स्टेंसिल करता है, कैसे मशीन को डिसेंबल करता है, असेंबल करता है। तो सब कुछ मैं अगले वीडियो में कवर करना ट्राई करूँगा। नहीं तो ये वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। और ये सारा किट का प्राइस करीब करीब मेरे को 8,000 पड़ा है, और बाकी अलग सामान का एक्स्ट्रा है। तो आप अगर सीखना चाहते हो टैटूइंग के बारे में, कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ये है आपका शेडर मशीन है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं मशीन को भी, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। सो ये बेसिक सा एक अनबॉक्सिंग वीडियो था, और ज़्यादा कुछ तो मैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट सा रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो मशीन है। अब तो यहाँ पे दो मशीन है, दो मशीन पे डिफरेंस क्या है, कौन सा लाइनर है, कौन सा सेडर है, तो ये सब भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एज अ आर्टिस्ट। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी अलग से वीडियो बनाऊँ, एक अलग सीरीज़ लाऊँ, कि आपको सिखाऊँ कि कैसे आप टैटू बना सकते हो, कैसे सीख सकते हो, अगर आपके पास में बिल्कुल ही टैटूइंग के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, बट आप ड्राइंग वगैरह अच्छा कर लेते हो, तो आप भी एक टैटू आर्टिस्ट बन सकते हो। तो सब कुछ मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ही आप मेरे कमेंट सेक्शन पर बताइए कि कैसा लगा। अगर आप इसका असेंबल और पूरा एक वर्क स्टेशन कैसे आप असेंबल करके कर सकते हो, उसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं वीडियो ले आऊँगा। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पे। कीप लर्निंग।